हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर किया था हमने, ठीक है। ऊपर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पिछली वीडियो जो की थी, ठीक है। तो कहीं आप सोच रहे होंगे ऊपर कहाँ किया, ठीक है, क्योंकि मैं कॉपी में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये मेरा मतलब है, ठीक है, समझ में आ ही रही होंगी बात। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये वाली टर्म एम वाली है, ये वाली भी पूरी टर्म एम वाली है, और इधर देखो इक्वल टू में ये वाली पूरी टर्म एम वाली है ना, क्योंकि ये अपॉन में 3 है तो ये पूरी टर्म मैं मानूंगा एम वाली है, क्लियर। तो देखो एम वाली एक तरफ करते हैं पहले टर्म्स को, एम इधर है ये माइनस में ये वाली एम माइनस 1/2, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ऐसे समझो। और ये माइनस में ये वाली टर्म है पूरी, तो देखो माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगी और ये रहेगा एम माइनस 2/3, क्लियर है। और इक्वल टू में तो 1 है, ये आ रही हैं चीज़ें समझ में। अब देखो मैं टर्म एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे के नीचे जब ये फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, ठीक है ना, जैसे एम माइनस 1/2, तो ये पूरी टर्म एक ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं, जैसे ये एम सिंगल है तो सिंगल ही है, ठीक है। तो एलसीएम लो जरा इसका, एलसीएम लेंगे तो देखो 3 2 6, 6 एलसीएम, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इसको डिवाइड करो 1 और 6 को, 6 6 इंटू एम 6m माइनस, अब देखो माइनस आ गया और ये पूरी टर्म इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। दो है ना ये नंबर m माइनस 1, तो यहाँ ब्रैकेट लगेगी आपकी, कैसे लगेगी ब्रैकेट वो मैं दिखाऊंगा अभी। देखो ये कितना आया आपके पास, 2 3 6, तो 3 आया, और ये मल्टीप्लाई में इधर m माइनस 1 इस तरीके से आएगा, डिवाइड किया 3 और 3 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ये माइनस बाहर है, ये ध्यान रखना है, मेन माइनस का ही है कंसेप्ट, ठीक है। प्लस 3 2 6, तो 2 आया और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 2 से जो ऊपर टर्म है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखो ये कितना आ गया 6m। अब देखो माइनस, ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, फिर माइनस की वजह से साइन चेंज करूँगा अंदर वाले, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। 3m इंटू 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस इसको कोई चक्कर नहीं है ब्रैकेट में रखने का क्योंकि बाहर प्लस है, तो 2 इंटू m 2m माइनस 2 2 4, क्लियर है। और नीचे वाला जो 6 था इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6m माइनस 3m, और ये माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस की वजह से, ठीक है, प्लस का 2m माइनस 4 और 6 इंटू 1 6। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ये वाली एक तरफ कर लो, 6m माइनस 3m, ये प्लस का 2m और ये प्लस का 3 माइनस का 4 और इक्वल टू का 6, क्लियर हो रही है बात। 2m को यहाँ इसके पास ले आया 3m के, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि इक्वल टू से इधर उधर नहीं लेके जा रहा हूँ, जहाँ है उसी साइड इधर उधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी कंसेप्ट मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता इसको, 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आता, डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको इजीली समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ ये वाला स्टेप, ठीक है। तो देखो 6m और ये माइनस प्लस माइनस होता है एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस आएगा और 3 में से 2 माइनस करो 1 आता है, तो 1m को मैं m लिख सकता हूँ, और ये भी प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज़ ग्रेटर एंड माइनस होता है प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करो 1 आएगा और इक्वल टू इधर 6 ये वाला है ये, ठीक है, आ रही है चीज़ें समझ में। 6m में से m माइनस करो कितना आएगा 5m, और ये माइनस 1 उधर लेके चला जाता हूँ, प्लस का 1 बन गया, ये आ गया 7 और ये रहा 5m, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7, और ये वाला 5 मल्टीप्लाई वाला है तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 5 आ गया, तो 7/5 इसका आंसर आया आपके पास, ठीक है जी। कर लो ये क्वेश्चन सिंपल है, तो बस माइनस वाला ध्यान में रखना है, ये साइन चेंज होता है, ठीक है, ये मेन है, क्लियर, ओके, थैंक यू।